उमिसाला नौजवान ने तीन बच्चों की दादी के साथ मंगनी कर ली। इस वीडियो में आप जानेंगे थाईलैंड की बुढ़ी और थाईलैंड के नौजवान की सच्ची कहानी। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन। थाईलैंड में एक हैरतअंगेज वाकया सामने आया, जहां 19 साल के नौजवान ने तीन बच्चों की दादी से मंगनी करके सबको हैरानी में मुब्तला कर दिया। 19 साल के नौजवान वेत चाई चंतराज ने तकरीबन 10 साल कबल अपनी मंगेतर 56 साला जानेला नावान गर्क से मुलाकात की। बाजा खवातीन ने 10 साला लड़के से घर की सफाई और कुछ पौधे घर मुंतकिल करने में मदद मांगी। उस दिन से ही नौजवान ने ख्वातीन के घर आना शुरू कर दिया और ये सिलसिला जारी रहा। दोनों अपने इब्तदाई रिश्ते को दोस्ती के तौर पर बयान करते हैं। जब चंतराज 17 साल का हुआ तो उसके दिल में ख्वातीन के लिए प्यार भरे जज्बात पैदा हुए। तहम बाजा दोनों ने इस दोस्ती को रिश्ते का नाम दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रवा साल के आगाज में दोनों ने अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताया और फिर मंगनी भी की। देखते ही देखते इनकी मोहब्बत की कहानी थाईलैंड में मशहूर हो गई। बुढ़ी खातून का कहना है कि चंतराज मेरे लिए एक सुपर हीरो की तरह है, इसने हर चीज में मेरी मदद की। फिर जब वो बड़ा हुआ तो हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए जज्बात पैदा हो गए। मैं हैरान थी क्योंकि उसको मैं बचपन से जानती थी। जब हम लोगों ने बताया कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो सब ने सोचा कि ये दोनों पागल हैं, जबकि मेरे बच्चे भी काफी हैरान हुए। उनका कहना था कि हम दोनों जानते हैं हमारे दरमियान 37 साल उम्र में फर्क को कुछ लोग कबूल नहीं करेंगे, लेकिन हम दोनों के लिए हमारी खुशी सबसे अहम थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 56 साल खातून की पहली शादी 20 साल चली और फिर तलाक हो गई। उस शोहर से खातून के तीन बच्चे हैं जिनकी भी शादी हो चुकी है और अब वो तीन पोते पोतों की दादी भी बन गई है। चंतराज और खातून का कहना है कि हम जल्दी शादी करेंगे।